नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जसोदा की रसोई ब्लॉग में। बने रहे वीडियो में। आज फिर आई हूँ नई रेसिपी के साथ। दो टमाटर ले लिए, दो प्याज, चार पांच हरी मिर्ची, एक अदरक का टुकड़ा, दो तीन कली लहसुन की। तो इन्हें अच्छे से छील लेते हैं। छील के धो के इन्हें किस लेते हैं, कूटेंगे अच्छे से। कूट के अदरक को कूट लेंगे, टमाटर को काट लेंगे। ऐसे साफ कर लिया। अब प्याज को छील लेते हैं। इस तरीके से छील के रख लेंगे। अगर लहसुन खाए तो डालें, ना तो ना डालें, हटा दें लहसुन को। प्याज सही काम चल जाएगा, प्याज सही अच्छे लगेंगे। छिल गया, अब लहसुन छील लेंगे। ऐसे धो लिए दोस्तों, टमाटर, लहसुन, प्याज, अदरक सब धो के। अब इनको इन्हीं में काटेंगे अच्छे से, पतले पतले। इस तरीके से ऐसे टमाटर काट ली। मिर्ची कट गई, अब प्याज काटेंगे। पतले पतले प्याज काट लेंगे। अदरक ये किस नीम किस दे रहा है, पतला पतला। इसी में लहसुन किस लेंगे, कटा अच्छा नहीं लगेगा वो। दिया ये भुट्टा ले लिए मैंने, तीन भुट्टा है, आधा इसमें से कम कर दिया, कतरा है तो चूहा का, इल्ली का खाए ये वाला। ए इतने भुट्टा ले लिए मैंने जरूरत के हिसाब से। इनको अब करेंगे गैस चालू। गैस चालू कर दिया, कढ़ाई रख दी। अब इसमें तेल डालेंगे। तेल डाल दिया कढ़ाई में। अब तेल गर्म होने तक, अच्छा तेज गर्म होएगा, अभी कम है तो तेज गर्म होएगा एकदम, और गैस को फुल रखेंगे। भुट्टे डाल दिए। अब इसको अल्टी पल्टी करके अच्छे सेक लेंगे इसको गोल्डन होने तक, ताकि कलर चेंज हो जाएगा तेल में उसका। भुट्टा को फ्राई करेंगे, और याद रखे थोड़ा चटक भी सकते हैं ये, क्योंकि तेल में है और फूट जाते जोर से तो तेल लुटेगा इधर उधर। थोड़े ऐसे ढाक के उसको उबाल रहे, क्योंकि तेल उचट रहे हैं, इसमें दाने फूट रहे हैं।
गैस को कर दिया बंद। अब इनको निकालेंगे एक एक करके। भुट्टा हमारे अच्छे से पक गए, प्लेट में ये इनको ठंडे होने देते हैं। जब तक ठंडे हो रहे हैं जी अच्छे से, तेल कम कर दिया ये कढ़ाइया में, तेल कम कर दिया इसी का। अब इसी में डालेंगे प्याज, प्याज अच्छे से पका लेते गोल्डन ब्राउन होने तक। इसी में हरी मिर्ची डाल देते तो हरी मिर्ची भी अच्छे से पक जाएगी, दोनों चीज एक साथ। अच्छे से पक जाएगी चलाते हुए उसको, इधर पक रही है इधर चम्मच चलाते ही रहेंगे। और उसके भी दाने निकाल लेंगे, तो अभी इन्हीं के दाने निकालेंगे। उधर मसाला पक रही है हमारा, तो इनको ऐसे कुछ करके ऐसे निकालना पड़ेगा एक एक करके, एक लाइन पहले। इनको ऐसे काट लेंगे अच्छे से, पूरे दाने दाने निकाल लेंगे इसी के, इस तरीके से ये चाकू से ऐसे। ऐसे निकल जाएंगे सारे दाने, इस तरीके से ऐसे हेच लेंगे। ये दूसरे भुट्टे के दाने भी निकाल लिए ऐसे, अब फिर निकालते दूसरे के, आसानी से निकल जा रहे हैं ऐसे। हाथ से तो भी आधे निकल नहीं पा रहे थे ज्यादा अच्छे से। सारे भुट्टे के दाने निकाल लिए, निकल गए सब भुट्टे के दाने। अब इनको हटाते हैं। प्याज हरी मिर्ची थोड़ी थोड़ी सिक गई, तो अब डालते लहसुन कूटा था और अदरक थे, तो ये भी ये साथ में अब सिक जाएगा अच्छे से। और भुंज गए, आप टमाटर डालेंगे इसमें और अच्छे से टमाटर को पकने देते। थोड़े से टमाटर गल जाए, नमक डाल रहे, अब नमक डाल दे रहे स्वाद अनुसार। इसी में एक चम्मच धनिया पाउडर, पीसी वाली धनिया एक चम्मच चलाते हैं, तो अच्छे से मसाले को पका। अब हल्दी डालेंगे, थोड़ा सा वो चटपटा बनाने के लिए लाल मिर्च पाउडर डाल रहा है, थोड़ा सा हरी मिर्ची तो डली है, लाल मिर्च पाउडर। अब पकने देंगे इसको, इसे पके जा रहा है मसाले। सारे मसाले भुंज गए दोस्तों, अब डालेंगे जो निकाले थे भुट्टे के दाने, तो जो निकाल कर रख लिए थे अब ये डालते हैं। अब इनको अच्छे से कंटिन्यू चलाते हुए अच्छे से मिक्स करेंगे। ऐसे कितने अच्छे दिख रहे हैं, और चलाते हुए इसको एक मिनट तक। अब डालेंगे चाट मसाला आधी चम्मच पाउडर, आधी चम्मच जीरा मन डालेंगे पिसा हुआ भुंजा हुआ पाउच वाला। तो अब अच्छे से मिक्स करेंगे। गैस को कर दिया बंद, अब कढ़ाई निकाल ली
तो अब इसको पलेट में सारा निकाल लेंगे। ये पलेट में ले लिया, दोस्तों चाट बनके तैयार है भुट्टे की। तो चाट बन गई हमारी भुट्टे की, तो कितनी अच्छी बनी है, बहुत अच्छी लग रही है देखने में भी और उतने खाने में भी टेस्ट है बहुत सही। अब बनाइए, भुट्टे आ रहे हैं ताज़े ताज़े भुट्टे। चाट बनाइए ज़रूर से ज़रूर, भुट्टे की बहुत अच्छी लगती है, घर के सामान से बन जाती है थोड़ी सामग्री से। और फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।